हेलो जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और ये वीडियो है इंस्टॉलेशन गाइड स्टेबल डिफ्यूजन की मैकबुक पे तो अगर आपके पास मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपने इस गाइड को फॉलो करना है ये बहुत ही सिंपल है आपने बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इसमें कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है कोई इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं है तो लेट्स ड्राइव राइट इन इट फर्स्ट आई वॉन्ट यू गाइड टू ओपन अप अ ब्राउजर ऑफ योर चॉइस तो ब्राउज़र ओपन करें गूगल पर जाएँ और वहाँ पर टाइप करना है आपने ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकलेवन ठीक हो गया अब ये पहली लिंक आ जाएगी ऑटोमेटिक इलेवन के गिटहब की आपने इस पर प्रेस करना है वंस ये वेबसाइट लोड हो जाए आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जहाँ पे है इंस्टॉलेशन ऑन एप्पल सिलीकन आपने इस लिंक को क्लिक कर देना है ठीक है अब ये सारी की सारी इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं अब आपने अपनी मैकबुक का टर्मिनल ओपन करना है तो वो बहुत ही आसान है अगर आप आपने अपने कीबोर्ड पे कमांड प्लस स्पेस पर दबाना है तो ये आपकी स्पॉटलाइट सर्च आ जाएगी यहाँ पे आप लिख दें टर्मिनल तो ये टर्मिनल एप्लीकेशन आ जाएगी अगर आपकी स्पॉटलाइट सर्च नहीं ओपन हो रही तो आप लोग सिंपली इसको नीचे एप्लीकेशन में भी फाइंड कर सकते हैं अच्छा अब आपका टर्मिनल ओपन हो गया तो सबसे पहले आपने इस लिंक पे जाना है फर्स्टली वी नीड टू इंस्टॉल ब्रू तो आप इस लिंक को क्लिक कर दें यहाँ पे एक सिंपल कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है आपने सिंपली इस कॉपी बटन को दबा देना है इस बटन को दबा के आपने टर्मिनल पे वापस आना है और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देना है और एंटर दबा देना है अब ये हमारी मैकबुक के अंदर ब्रू को इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे आपने एंटर क्लिक कर देना है ओके तो ये हमारी मैकबुक के अंदर होम ब्रू इंस्टॉल हो चुकी है अगले स्टेप में आपने वापस जाना है उसी लिंक पर अब जब आपकी मैकबुक के अंदर होम ब्र्यू इंस्टॉल हो गया है तो आपने चेक किस तरह से करना है कर कि ये इंस्टॉल हो गया है तो आपको टर्मिनल में आएंगे और आप लिखेंगे ब्र्यू स्पेस डैश डैश वर्जन आपने एंटर दबा देना है तो ये आपको बता देगा कि आपकी मैकबुक में होम का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है तो हमारे में फोर हुआ हुआ, 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 हुआ हुआ है अब स्टेप टू के लिए आपने इस पूरे कमांड को एज़ इट इज़ कॉपी करना है तो हम इसे कमांड सी से कॉपी कर लेते हैं और इसको टर्मिनल में ला पेस्ट कर देना है एंटर दबा दें इसके बाद आप लोग वापस आ जाएं और स्टेप नंबर थ्री को सिंपली आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और टर्मिनल में ला पेस्ट कर देना है एंटर दबा दें आप ये स्टेबल डिफ्यूजन का पूरा गेट यहाँ पे क्लोन करके एक फोल्डर बना देगा जब टर्मिनल में ये वाला स्टेप रन हो रहा है तो आप लोग अपनी फ़ाइल सिस्टम में जाके देख सकते हैं कि उसने स्टेबल डिफ्यूजन का एक फ़ोल्डर बना दिया है और इसमें सारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह वो डाउनलोड कर रहे हैं अच्छा अब जब ये स्टेप कंप्लीट हो गया है तो वो आपको अगले स्टेप में कह रहा है कि प्ले स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स स्लैश चेक पॉइंट्स यू वॉन्ट टू तो यूज़ इन टू दिस फोल्डर तो मॉडल्स और चेक पॉइंट्स डाउनलोड करने की एक सेपरेट वीडियो होगी आप लोग इसके मॉडल्स और चेक पॉइंट्स डाउनलोड कर सकते हैं कोर वेबसाइट से वो है सीवीट ए आई डॉट कॉम ये मॉडल्स और चेक पॉइंट्स यहाँ से डाउनलोड होते हैं और ये स्टेबल डिफ्यूजन के में ऑटोमेटिक एलेवन यू आई को रन करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं मॉडल्स और चेक पॉइंट्स सो आर गोना फोकस ऑन दिस इन वीडियो तो आप लोग वापस आ जाएँ और अब आपने आना है स्टेप नंबर फाइव पे जो कि सिंपली है कि आपने अपने स्टेबल डिफ्यूजन वाले फ़ोल्डर में मूव करना है तो टर्मिनल में आ जाते हैं तो आपने यहाँ पे सबसे पहले एल एस करना है कि लिस्ट ये आपको बताता है कि आपके कौन कौन से फ़ोल्डर्स मौजूद हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टेबल डिफ्यूजन का एक फोल्डर हमारे पास मौजूद है इसके बाद आपने करना है सी डी जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी और आप लोगों ने स्टेबल डिफ्यूजन वेब यू आई आगे लिख देना है एंटर कर देना है तो अब हम लोग स्टेबल डिफ्यूजन वाले फ़ोल्डर में आ चुके हैं यहाँ पे आपने सिंपली डोर स्लेश वेब यू आई डॉट एस एच लिख के एंटर दबा देना है तो हम लिखते हैं डोर स्लेश वेब यू आई डॉट शेल आपने ये लिख के एंटर कर दिया है तो ये स्टेबल डिफ्यूजन के लिए अब मज़ीद जितनी भी डिपेंडेंसीज़ है वो डाउनलोड करेगा और आपका स्टेबल डिफ्यूजन रन कर देगा तो ये स्टेप थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करेगा सो लेट्स वेट फॉर अवाइल ओके सो वंस इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होगी आप लोग देख सकते हैं कि इसने ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक इलेवन इलेवन का यू आई कर दिया है यहाँ पे आप लोग अपने स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल्स वगैरह ला सकते हैं आप लोग डिफरेंट किस्म के आउटवर्कस वगैरह जनरेट कर सकते हैं ये टोटली कस्टमाइजेबल है तो इन द नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप इसे किस तरह से एनीमे आउटवर्क जनरेट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इसको दोबारा से लॉन्च करना है तो लेट्स जस्ट क्लोज दिस रियल क्विक और टर्मिनल पर भी एग्जिट कर देते हैं कंट्रोल सी से इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं हम लोग इसको एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं तो आप लोगों ने नेविगेट करना है अपने स्टेबल डिफ्यूजन फोल्डर पे आप लोग नेविगेट कर सकते हैं सी डी से और आगे फोल्डर का नाम लिख के तो आप लोग जब स्टेबल डिफ्यूजन के फ़ोल्डर में आ गए हैं तो इसको दोबारा से लॉन्च करने के लिए आपने सिंपली लिखना है डॉट स्लैश वेब यू आई डोट एस एच और आप लोग इसको एंटर करेंगे तो वो आपके लिए वो यू आई दोबारा से ऑन कर देगा So this is really quick how you can install stable diffusion in your MacBook. If you don't understand anything, make sure to ask me in the comment down below or help you help can. That's it for this video. See you in the next one. Peace.